कितना बड़ा हाल। सो हेलो एवरीवन, अभी जस्ट मैं एग्जाम देके आया हूँ और मैं नेक्स्ट जो एग्जाम है उसका ब्लॉग बनाने वाला हूँ। जो फाइनल एग्जाम है ये 11th सेम हमारा चल रहा है, इसके बाद और एक सेम रहेगा 12th सेम, वो लास्ट सेम रहेगा। तो 11th सेम का एक एग्जाम का ब्लॉग है ये। तो अभी मैं एग्जाम देके आया हूँ, लेकिन आज का जो स्नो है बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा, ये देखिए पूरा घुटने तक स्नो गिरा हुआ है। रात से लगातार स्नो गिर रहा है और इतना स्नो, ये देखिए पूरा वाइट वाइट हो गया पूरा सारा कुछ। अभी एग्जाम देने के बाद हम दोस्तों के साथ आए हैं बाहर, कुछ खा पी लेते हैं, इसके बाद फ्रेश होके फिर दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। एक दिन का गैप रहता है हर एग्जाम में। ये सेमेस्टर एग्जाम है, जो पहले इसके एग्जाम होते हैं उसमें 20-20 मार्क के एग्जाम होते हैं और ये 60 मार्क का एग्जाम है। अभी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम का टाइम चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं अभी एक्यूट एंड क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में कुलेन साइन दिखता है, एकेमोकोसिस अराउंड द अम्बिलिकस, ग्रेट टर्नर साइन एकेमोकोसिस अराउंड फ्लैंक, इंग्विनल रीजन पे हो तो उसको फॉक्स साइन बोलते हैं। और एक्सरे पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलन कट ऑफ साइन दिखता है, सेंटिनल लूप साइन दिखता है और ग्लास ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखता है। तो ये सब अभी पढ़ना है, चाइल्ड डिजीज का एग्जाम है तो पीडियाट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। अभी जो है हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमारा अपर जीआई ब्लीडिंग है। अपर जीआई ब्लीडिंग पे GABE एक सिंड्रोम है जिसपे कि गैस्ट्रिक एंट्रल वास्कुलर एक्टेसिया होता है, जिसको कि हम वाटरमेलन स्टोमाक बोलते हैं। वाटरमेलन स्टोमाक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जो म्यूकोसा लाइनिंग है वहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है, तो एक एक ऐसे ऐसे लाइनिंग पे ब्लीडिंग है, इसीलिए इसको हम वाटरमेलन जैसा दिख रहा है। अगर उसका एक स्ट्रक्चर देखें तो वाटरमेलन स्टोमाक भी इसको बोलते हैं। और ये अपर जीआई ब्लीडिंग पे आता है। अपर जीआई ब्लीडिंग तब बोलेंगे जब लिगामेंट ऑफ टेरिस एक होता है जो कि ड्यूडेनो जेजुनल जंक्शन होता है, ड्यूडेनो जेजुनल जंक्शन के ऊपर से अगर हो रहा है तो अपर जीआई ब्लीडिंग, अगर नीचे से हो रहा है तो लोअर जीआई ब्लीडिंग। तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं, कुछ खा लेते हैं क्योंकि सेकंड संडे मेस बंद रहता है, तो कुछ हम लेके आए हैं, कुछ खा लेते हैं फिर पढ़ते हैं। सो अभी एग्जाम के बीच में मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। अभी पूरा स्नोफॉल हो रहा है और ठंड बहुत है, और इस महीने के अंदर यानी इस वीक में -38 तक ठंड जाने वाला है। ठंड बहुत है। ये है वो दोस्त का रूम और वहां चलते हैं अभी। सो अभी मैं पहुंच चुका हूं रूम में और अभी चलता हूँ वहाँ पे और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इतने ठंड में अभी हमें खाना लेने के लिए कुछ जाना पड़ेगा। स्ट्रगल ऑफ MBBS लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना देवेंद्र ब्रो? या ब्रो। चलो अभी चलते हैं। इतने भिगरस स्नोफॉल के अंदर ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, यही लोग बनेंगे मेसी रोनाल्डो, और यही हमारे दूसरे फुटबॉलर। ले लेते हैं हम गोभी, यहाँ का पालक है, ये यहाँ का बीट रूट, लहसुन, आलू। आलू देखिए कितना बड़ा आलू। ये यहाँ का अचार, बर्गर वर्गर में भी डालते हैं। हम ले रहे हैं ये सो अभी हम ले चुके हैं अपना सामान। फोकस कर देता हूँ, ये रहा। यहाँ पे सामान बहुत महंगा मिलता है जब सर्दी होती है। इतना सामान हम लाए हैं, 300 रुपया है ये सब। यहाँ से शक्कर ले लेते हैं, मिल गया शक्कर? हाँ। इसमें थोड़ा साफ था। ठीक है ब्रो,
थैंक यू। सो अभी खाना पीना करके मैं आ चुका हूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ाई करते हैं अभी। वैसे आसान है, कुछ कम ही टॉपिक हैं वहाँ पे, टीवी के बारे में है, थीसियोलॉजी बोलते हैं उसे सर इसको। सो आज का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया रहा और यहाँ पे देख सकते हैं -16 डिग्री सेल्सियस अभी है और रात को -21 -24 जा रहा है और हाईएस्ट जा सकता है -38 तक। तो ठंड बहुत है लेकिन जो हीटर है वो भी अच्छे से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे। तो ये था अभी का ब्लॉग, होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और ये एक मेमोरी में अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। जब हम 6 महीने के बाद यहाँ से चलेंगे तो यही सब हमारा मेमोरी होके रह जाएगा। सो होप करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।